सीतापुर जिला पंचायत बोर्ड बैठक को लेकर पिछले करीब 2 माह से जारी उठापटक का फिलहाल शनिवार को पटाक्षेप हो गया। एक धड़ा जिला पंचायत की बोर्ड बैठक को नहीं होने दे रहा था तो दूसरा धड़ा बैठक को संपन्न कराने में लगा हुआ था। 2 बार विरोधी खेमा सफल भी हुआ, लेकिन तीसरी बार शिवकुमार गुप्ता की रणनीति कहें या सत्ताधारी भाजपा का प्रभाव कहें, विरोध का नेतृत्व करने वाले भी बैठक संपन्न कराने में जुटे रहे। कल तक ज्यादातर जिला पंचायत के सदस्य जो विरोध में थे उनमें ज्यादातर पक्ष में आ गए। 79 सदस्यों में से 70 सदस्य जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में भाग लिए। 1 सांसद, 5 MLA, 1 MLC, 13 ब्लॉक प्रमुख मिलाकर 90 सदस्य बैठक में आए। कुल 113 सदस्यों में कोरम पूरा करने के लिए 57 सदस्यों की जरूरत थी, जिसके मुकाबले 90 सदस्यों को जुटा लिया। हालांकि इसके पीछे दूर रहकर भी शिवकुमार गुप्ता ने अपनी बहु जिला अध्यक्षा श्रद्धा सागर को आगे कर जिला पंचायत में अपनी सरकार फिर चला ली। उनका साथ प्रदेश से जहां क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने, वहीं जिला स्तर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा और अजय सिंह आदि ने दिया। बैठक के बाद बाहर निकले MLC पवन सिंह चौहान, महमूदाबाद से विधायिका आशा मौर्य और जिला पंचायत के किंग मेकर कहे जाने वाले शिव कुमार गुप्ता से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की। आखिरकार सीतापुर जिला पंचायत की बैठक आज सकुशल संपन्न हो गई और बजट भी पास हो गया, और उस बैठक से बाहर निकल करके आए हैं सीतापुर के MLC पवन कुमार सिंह, उनसे जानते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा और आज की बैठक तीसरी बैठक थी जिसे संपूर्ण करा लिया गया, कैसे ये संभव हो सका? अभी तक सारी बैठकों कुछ को रुकावट आ जाती थी। पहली बैठक रही जो ध्वनमत से और सारे सदस्य मौजूद रहे, विधायक भी रहे, सारे हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे, प्रमुख भी रहे, सब लोगों ने बड़े अच्छे माहौल खुशी माहौल में सारा विजय पास हुआ। और मुझको लगता है जो मुद्दे रखे गए वो सड़क, बिजली, पानी को मेन मुद्दा रखा गया, उनको ध्यान में रखते हुए सारी समस्याओं को सॉल्व करने का एक निर्णय लिया गया। तो क्या लगता है अब इसके बाद विकास जो अवरुद्ध था उसको गति मिलेगी? जाहिर बात है जब बजट इतना बड़ा बजट पास हुआ है तो वो बजट को टोटल 79 सदस्यों में और प्लस विधायक हैं, सांसद हैं, प्रमुख हैं, सब लोग मिलकर विकास करेंगे। और उसको लगता है कि आज बजट पास होने के बाद सब में खुशी की लहर है और सब खुश हैं कि बजट पास हुआ तो अब भूमि पर काम होगा, जमीन पर काम उतरेगा और जबरदस्त विकास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अब विकास के आयाम खुलेंगे और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं महमूदाबाद की विधायिका आशा मौर्य, जिन्होंने बहुत प्रयास किया, एक बैठक लखनऊ में भी आपने रखी थी और उसके बाद आज बैठक सकुशल संपन्न हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी मेहनत की, कैसे ये सब सफलता मिली? पहले तो बड़ा हंगामा हुआ था। कहीं हंगामा नहीं होता है, कुछ विचार नहीं मिल पाते हैं और सब सामंजस्य से हो गया है। अब सब काम होगा, विकास की गंगा बहेगी, चिंता मत करिए, हर विधानसभा में काम नजर आएगा। मैडम, सबसे पहले लखनऊ पहुंच जाते हैं, ठीक है, चलो। आज क्या निर्णय लिया गया बैठक में? आज निर्णय लिया गया 79 जितने सदस्य हैं, जितना भी धनराशि थी सबको बराबर बांट दिया गया है, सबका सम्मान किया गया है और सब विकास होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा असमंजस नहीं है, सब खुश हैं और सारे सदस्यों ने सब ध्वनिमत से पास किया है, हम सब लोगों ने सहयोग करके सब हो गया। तो सब लोगों ने मिल करके बजट को पास कराया है, ये कहना है महमूदाबाद की विधायिका। और इस पूरी बैठक के केंद्र बिंदु में आखिरकार शिवकुमार गुप्ता ही रहे, पर्दे के पीछे रहे, लेकिन आज उनकी रणनीति कारगर रही, वो भी मौजूद है हमारे साथ। वो हमेशा किंग मेकर रहे नहीं, इनको किनारे किया गया था। ये सवाल आज से उठना भी शुरू हो जाएगा कि जब ये मांग की गई थी कि शिवकुमार गुप्ता को पीछे रखा जाए, तो अब शिवकुमार गुप्ता आज जब अपनी रणनीति में कारगर हो गए हैं तो जाहिर तौर पर वो भी अपना पार्टी में एक स्थान तलाशेंगे, एक स्थान चाहेंगे। तो आज जो सफलता मिली उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग बहुत शांतिपूर्ण और बड़े अच्छे माहौल में हुई। हमारे सांसद जी, विधायक जी, MLC साहब, प्रमुख जी, सारे मेंबरगण सब ने सहयोग दिया और बहुत अच्छी बैठक हुई और सारे जनहित के पास हुई आज। तो क्या लगता है विकास जो है होगा पूरे जनपद में व्यवस्थित ढंग से? अब तो कोई रास्ता रुका ही नहीं, सारा विकास होगा, सब लोग एक साथ हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, सारा गवर्नमेंट सब
आपके साथ में है, कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। तो आप किंग मेकर माने जाते हैं, पिछले 15 सालों से इसी जिला पंचायत में आपका ही होल्ड है, आज भी दिखाई दिया, कैसे संभव हो पाता है सब? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, उसी लिए काम कर रहा हूँ। ना मैं किंग मेकर हूँ, ना मैं रंक हूँ, ना मैं राजा हूँ, मैं तो बहुत एक छोटा व्यक्ति हूँ और पार्टी के लिए, समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो ये अलग बात है कि मेकर अपने आप को नहीं मान रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं विषम परिस्थितियों में भी शिवकुमार गुप्ता अपनी रणनीति में कारगर होते हैं, और वो आज कहीं ना कहीं फिर से एक बार उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। बजट भी पास हो गया, सदस्यों को भी अपने पाले में ले आए, और वो जनप्रतिनिधि जो कल तक ये कहते थे, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते थे, वो आज इनके साथ नज़र आए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर।